हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन CGST एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट मुंबई जोन। तो इसके लिए मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कौन कौन लोग जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कब तक आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो कि है ऑनलाइन में एप्लीकेशन। तो दोस्तों, पोस्ट जो है यहाँ पे हवलदार के निकला हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 to 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसका जो सैलरी आएगा आपको 18,000 to 56,900 रुपीज़ पर मंथ। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको 10 पास, तो अगर आप 10 पास या उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे मेल फीमेल दोनों लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते। उसके लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपको क्या होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है यहाँ पे 157 सेंटीमीटर्स। और अगर आप गोखरास एंड आसामीज होते हो तो आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पे रिलेक्सेबल होता होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल टेस्ट जो होगा उसके लिए आपको वॉकिंग 1,600 मीटर इन 15 मिनट्स एंड साइकिलिंग 8 किमी इन 30 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फीमेल कैंडिडेट हाइट जो है 152 सेंटीमीटर एंड वेट है 48 kg, हाइट रिलैक्सेबल फॉर 2.5 सेंटीमीटर, वेट बाय 2 kg इन केस यू आर गोखराइल्स आसामीज एंड गोखरास एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। फिजिकली टेस्ट जो होगा यहाँ पे वॉकिंग 1 किमी इन 20 मिनट्स एंड साइकिलिंग 3 किमी इन 25 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव represented the country in an international competition, state in senior national competition, university in an inter-university competition, state in junior youth national competition, sports person who claim to the belong up to any of the categories mentioned above should be produced a certificate in prescribed from number 1 to 5 specified in annexure 1 and duly sign the appropriate authority as specified the annexure B. Departmental candidate should route their applicants through the paper channel. Only those players who had represent India state or university of junior youth state or present or have represented to same for the past four years need to apply. The vacancy in sport disciplines mentioned above are as follows. The name of post jo hai cricket, male female male, number of vacancy of 4. Volleyball ke liye yahan pe male candidate 4 vacancy, kabaddi ke liye yahan pe male candidate of 4 vacancy, athletics ke liye yahan pe men or women के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी और टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 14। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अपीयर टू प्रैक्टिकल फील्ड टेस्ट रिलेवेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी पेड द एप्लीकेशन एक्सपेक्ट एक्सेप्ट दोज बिलोंग SC/ST कैटेगरी एज पर द अंडर SR 132। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एनेक्सर 1 आपको जो कि फॉर्म 1 फॉर्म 2 जो कि दिया हुआ है, तो आप जिस भी कैटेगरी या जिस भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप खेले हो फॉर द खेल चुके हो आपको इस फॉर्म को उसी लिए आपको अप्लाई करना होगा उस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो कि आप यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट मुंबई जोन के लिए। तो दोस्तों, ये था सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट मुंबई जोन के रिसेंटली जो पोस्ट है उसका डिटेल।
अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मेरे को कमेंट के थ्रू और मेरा जो पेज है फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे को SMS करके आपका जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो आज की वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।